इंडिपेंडेंट बनने के लिए सब कुछ सिखाया हुआ होता है एक शाम पायल अपनी पर सीटी हुए से घर है। जिसे देखते ही उसकी मम्मी गुस्से में पूरा घर सिर पर उठा लेती है आ गई महारानी बहुत बोलते थे मैं अपनी बेटी को सब कुछ सिखाकर दुनिया में मजबूती से खड़े रहना सिखाऊंगा साथ में बेटी को लफंडर बनना भी सिखा दिया ये नहीं बताया क्या हुआ आज ये कुकर इतनी सीटिया क्यों मार रहा है <laughs> सीटी सारी फसाद की जड़ तेरी वो बाइक और सीटी है उन्हीं से लड़के छेड़ती है ना तू हाँ? ये तो गलत है मुझे बताए बिना ही लड़का छेड़ दिया हाय तो ये कैसा पति और बेटी मिले हैं मुझे अरे मम्मी यार तुम ओवर एक्टिंग बंद करो और मैंने कोई लड़का नहीं छेड़ा पापा शिट यार। अच्छा मम्मी आप पहले मुझे बताओ कि आपको ये सब बेकार बातें बताता कौन है अच्छा तूने कोई लड़का नहीं छेड़ा अरे वही शर्मा आंटी वही बताती रहती है पर उसकी खबर तो मैं खुद ले लूंगी अच्छा मेरी प्यारी बेटी थक गई होगी ना जा जाकर आराम कर बेटा अचानक मम्मी को गर्म से नरम होते देख के पायल और उसके पापा कंफ्यूजन में एक दूसरे को देखने लगते हैं। से कुछ इशारे होते हैं और पायल वहां से चुपचाप चली जाती है। जिसके बाद रात को घर में सबके सोने के बाद दोनों पापा बेटी छत पर मिलते हैं। क्या खबर लाए हो अरे तुम्हारी मम्मी तो हमसे भी तेज निकली कोई खबर नहीं मिली क्या यार पापा पता नहीं अब मेरी मदर इंडिया कौन सा बम फोड़ेंगी इसी के साथ दोनों अपने कमरे में वापस जाकर सो जाते हैं अगली सुबह पायल जैसे ही कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर कमरे से बाहर निकलती है तो उसकी मम्मी उसे लड़के वालों के सामने ले जाकर खड़ा कर देती है जी ये है मेरी बेटी पायल थोड़ी चंचल है लेकिन बहुत नेक दिल और होशियार है देखते ही देखते कुछ घंटों में पायल और शुभम का रिश्ता पक्का हो जाता है जिसके कुछ दिनों बाद पायल शादी कर अपने ससुराल पहुंच जाती है सोचा था मम्मी कोई बम फोड़ेंगी पर उन्होंने तो सीधा मुझे उम्र कैद की सजाई दे दी बहू अब उम्र कैद समझो या बम रहना तो यही है निभाना यही है इसलिए छीछोरी हरकतें बंद करनी होगी आप क्या बात कर रही हो मैंने क्या किया इतने मासूम ना बनो मुझे तुम्हारे कारनामो के बारे में सब अच्छे से पता है ऐसा बोलकर सास तो वहां से चली जाती है लेकिन पायल सोच में पड़ी वहीं खड़ी रह जाती है जिस पर शुभम उसके पास आता है तुम मम्मी की बात का बुरा मत मानना वो पड़ोस वाली आंटी ने उन्हें तुम्हारी बाइक चलाना सीटिया बजाते हुए घूमना बेधड़क सबसे बात करना वगैरह जैसी कुछ बातें बता दी है जिसे सुनकर उन्हें गुस्सा आ गया है पर फिक्र मत करना धीरे धीरे साथ रहने से वो भी ठीक हो जाएंगी थैंक्स फॉर योर कंसर्न बट आई डोंट केयर पायल सीधा अपने कमरे में चली जाती है अगली सुबह कॉलेज जाने के लिए तैयार हो सीटी बजाते हुए कमरे से बाहर निकलती है जिसे देख सास गुस्से से तिलमिला उठती है महारानी शादी के अगले ही दिन ये हीरोइन बनकर कहा चल पड़ी और ये लफ़ंगों की तरह सीटिया बजाना बंद करो ये हमारा घर है कोई सड़क नहीं जहाँ तुम आवारा गर्दी करती घूमो <laughs> मम्मी जी सीटी बजाने और कंफर्टेबल कपड़े पहनने से लोग कब से आवारा बनने लगे इसी के साथ सास बहू का युद्ध शुरू होने ही वाला होता है कि शुभम वहा पहुँच जाता है माँ उसका कॉलेज है इसलिए ऐसे तैयार हुई है और पायल तुम भी मां को समझने की थोड़ी कोशिश करो ना प्लीज सिचुएशन संभालकर शुभम और पायल घर से निकल जाते हैं इसी तरह दिन बीतने लगते हैं जिससे सास बहू के लड़ाइयों के बीच शुभम पिसता रहता है लेकिन साथ ही वो दोनों एक दूसरे की आदतों को अपना भी लेती हैं पर पायल का सीटी बजाना सास को आज भी ना गवारा ही होता है आसमान गिर जाएगा धरती फट जाएगी पर इसकी सीटी ना जी ना कभी बंद नहीं होगी अरे मम्मी जी जब आप मेरे कुछ बोले बिना सीटी से ही समझ जाती हो कि मैं क्या बोल रही हूँ फिर इसे बदलने की क्या जरूरत यही तो हमारी यूनिकनेस है पायल की बात से ज्यादा सहमत ना होते हुए भी सास हंस पड़ती है उसी शाम पूरा परिवार घूमने जाने का प्लान बनाकर घर से निकल जाता है और उनके जाते ही घर में चोर घुसाते हैं और तभी वो सब भी दोबारा घर के अंदर आते हैं बाहर से क्या यार पायल एक शाम भी फोन के बिना नहीं रह सकती थी क्या घर में ही तो फोन है कहाँ चला जाता अब जल्दी अंदर जाकर अपना फोन लाओ मम्मी और मैं यही बार वेट करते हैं। ज्यादा बोल रहे हो देखो अब और धीरे काम करूंगी <laughs> ऐसा बोलकर पायल घर के अंदर जाती है और बहुत देर तक बाहर निकल कर नहीं आती अरे ये तो सच में जानबूझकर लेट करने लगी चल कर देखते हैं ना। दोनों जैसे ही मेन डोर के नजदीक पहुंचते हैं, उन्हें पायल के सीटी बजाने की आवाज सुनाई देती है हमें लेट करके खुद मजे से बैठी सीटियाँ बजा रही है अरे गधे ये मजा नहीं सजा है जल्दी से पुलिस को फोन कर। माँ की बातों से कंफ्यूज शुभम उसे देखता ही रहता है सास खुद ही पुलिस को फोन कर देती है कुछ देर बाद वो दोनों पुलिस के साथ घर के अंदर जाते हैं। तो पायल एक कुर्सी पर बंधी होती है और सास को देखते ही दोबारा सीटी बजाने लगती है ए, की दुकान फिर से शुरू हो गई तू और क्या इन सबको कह रही है कि चोरा है चोरा है तुझे कैद किया है थोड़ा तो तरस खाकर डर हमसे और प्यार से क्या बोल रहा है इससे अरे इसके सर पर बंदूक लगा ठोक दे इसको अरे चल झूठ है तेरे पास तो हथियार है ही नहीं सास की बात सुन वहाँ मौजूद सारे इंसान हैरान रह जाते हैं और पुलिस तुरंत उन चोरों को अरेस्ट कर लेती है आपको कैसे पता कि इनके पास हथियार नहीं है <laughs> अरे सीटी नहीं तो बताया